साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। मेरी ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें और हमेशा पॉजिटिव रहें। दोस्तों आज मैं फिर से आपके सामने एक नई जानकारी लेकर के आया हूं। दोस्तों मैंने काफी ऐसी जानकारियां प्रसारित की हैं जिनके जरिए काफी लोगों ने काफी लाभ प्राप्त किया है। वीडियो के कमेंट्स में मैंने देखा कि दो दो दिन में उनको रिजल्ट मिला है। आप लोग जब अपने अनुभव कमेंट बॉक्स के माध्यम से जब शेयर करते हैं तो अच्छा लगता है दोस्तों, उत्साह बढ़ता है कि और भी ऐसी जानकारी आप लोगों के सामने प्रसारित की जाए। तो आप लोगों को दोस्तों यदि लाभ प्राप्त होता है तो अपने अनुभव कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर शेयर किया करें। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है कि आप लोगों के सामने और भी इसी प्रकार की जानकारियां लेकर के आए। आज का जो उपाय दोस्तों मैं बता रहा हूं, ये आपकी जटिल से जटिल परेशानी, कोई ऐसी परेशानी कि व्यक्ति बिल्कुल अंधकार में घिर चुका है। अब उसको लग रहा है कि उसका दुर्भाग्य उसका पीछा छोड़ ही नहीं सकता। ये प्रयोग दोस्तों एक बार में ही असर दिखाता है, बहुत ही पावरफुल उपाय है ये प्रयोग। यदि आप एक बार कर लेंगे तो आपको रिजल्ट हाथों हाथ मिलेगा। कोई ऐसी बड़ी समस्या है जिसको लेकर के आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, आपने उम्मीद ही छोड़ दी है कि अब ये परेशानी तो जिंदगी का हिस्सा बन गई है। कर्ज की समस्या हो सकती है, कोई बीमारी है, शत्रु है, या कोई भी ऐसी आपकी परेशानी जिंदगी की जो बहुत बड़ी परेशानी है, आप चाहते हैं कि अब ये जिंदगी से चली जाए, आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाए। तो दोस्तों ये प्रयोग सिर्फ एक बार आप करिए, उसके बाद में रिजल्ट देखिए आप कितना चमत्कारिक रूप से आएगा, आपकी जिंदगी पूरी बदल जाएगी। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जो न्यू विजिटर्स अभी मेरे चैनल पर आ रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में रुचि रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे मेरे द्वारा दी जाने वाली हर एक जानकारी आपको आसानी से तेजी से प्राप्त हो जाएगी, कोई भी जानकारी आपसे मिस नहीं होगी। तो जानकारी यदि पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, शेयर करना ना करना ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन दोस्तों जैसे मेरे पास में अगर कोई जानकारी है मैं आप तक शेयर कर रहा हूं ताकि आप लोग इसका लाभ प्राप्त कर पाए। तो आप लोग तक ये जानकारी पहुंच रही है तो आप भी और लोगों तक शेयर करें ताकि और लोग भी इसका लाभ प्राप्त करें। आप लोग ये उपाय करेंगे मुझे लाभ होगा, आप किसी को जानकारी देंगे वो लोग इस उपाय को करेंगे आपको लाभ प्राप्त होगा। तो अच्छा काम है दोस्तों, धर्म का काम है, शेयर जरूर करें। तो ज्योतिष शास्त्र में दोस्तों कहा गया है कि इस उपाय को आप अमावस्या के दिन में, शनिवार के दिन में, चतुर्थी के दिन में, या फिर अमावस्या के बाद जो शनिवार आता है, या अमावस्या के मतलब अमावस्या के आसपास ही आपको इस प्रयोग को करना है। अमावस्या के बाद जो चतुर्थी आती है या शनिवार आता है उस दिन इस प्रयोग को कर ले। मतलब कि चांद जब थोड़ा सा पूर्ण अवस्था में ना हो, थोड़ा सा चांद दिखाई देता हो, उस समय आपको इस प्रयोग को करना है। इसमें आपको जरूरत पड़ेगी डायमंड यानी कि हीरा। काफी लोग बोलेंगे कि हम हीरा अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, हम नहीं ले पाएंगे। तो दोस्तों अमेरिकन डायमंड आता है जो कम से कम कीमत में मिल जाता है, मेरे ख्याल से शायद 100-150 रुपए में आराम से मिल जाएगा, तो आप वो भी ले सकते हैं। आप अगर जो अमेरिकन डायमंड भी नहीं ले सकते हैं, चमकने वाली धातु होती है वो अगर मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो आप आईने का भी प्रयोग कर सकते हैं जिसमें अपना फेस देखा जाता है, चेहरा देखा जाता है, या कोई चमकने वाला कोई ऐसा स्टोन ले लें आप जो आपको सस्ता इजिली मिल जाए। डायमंड के अभाव में आप कोई कंकड़ ले सकते हैं जो डायमंड जैसा हो, जो चमक, जो रात में चमक देता हो, मणि जैसा जो चमके, मतलब कि रात में मून लाइट जो होगी उसमें उसका चमक दिखाई दे, ऐसी कोई चीज ले सकते हैं। अगर इन चीजों का अभाव है तो आप आईना भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आईने से भी इस प्रयोग को आप बहुत आराम से कर पाएंगे आप। साथ में यह भी कहा गया है कि इसमें आपको गाय के शुद्ध गोबर की जरूरत पड़ेगी, मतलब गोबर गाय का ही होना चाहिए, अदर और कुछ नहीं चाहिए आपको। ठीक है, अगर आप आईना ले रहे हैं, डायमंड ले रहे हैं या स्टोन ले रहे हैं तो ये आप पहले ला सकते हैं, लेकिन जिस दिन ये प्रयोग कर रहे हैं, आप अमावस्या के दिन में कर रहे हैं, शनिवार के दिन में कर रहे हैं या चतुर्थी के दिन में कर रहे हैं, तो जिस दिन कर रहे हैं गोबर आपको उसी दिन ताजा गोबर गाय का ये आपको लेना है। अब इस प्रयोग को आप तिराहे पे, चौराहे पे और या फिर किसी कुएं के पास में प्रयोग को कर सकते हैं। रात्रि में इस प्रयोग को करना है आपको, 9 बजे के बाद कभी भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको आईना लेकर के जाना है, गोबर लेकर के जाना है, या फिर आपने जो स्टोन लिया हुआ है वो लेकर के आपको जाना है। ठीक है, चौराहे पे खड़े होकर के आपको क्या करना है, अगर आप चौराहे पे कर रहे हैं या फिर आप कुएं के पास में कर रहे हैं, तो आपने अगर डायमंड लिया हुआ है
तो डायमंड में आपको उसमें चंद्रमा की लाइट यानी चंद्र को आपको उसमें ऐसे रख करके चौराहे में खड़े होकर के चंद्रमा को आपको देखना है, चंद्र की लाइट को आपको चमकते हुए देखना है, ठीक है। और हो सके तो थोड़ा सा अपना फेस उसमें देखना है। और उसके बाद में अगर आप आईना से कर रहे हैं तो आईने को आप सीधा रखें, उसमें चंद्रमा देखें और अपना चेहरा, उसमें चेहरा आपको देखना है। ये करने के बाद में आपको गोबर है जो है उसके ऊपर आपको लगा देना है, लेप कर देना है आईने के ऊपर, ठीक है। उसके बाद में प्रार्थना करनी है आपको नौ ग्रहों से, क्योंकि हमारी जिंदगी में जो भी घटनाएं घटित होती हैं, जो भी योग बनते हैं वो नौ ग्रह के द्वारा ही होती है। तो नौ ग्रह से विनती करनी है, समस्त देवी देवताओं से विनती करनी है और चारों दिशाओं से, दसों दिशाओं से आपको विनती करनी है। आपको ये बोलना है कि समस्त नवग्रह देवता, ठीक है, और समस्त देवी देवता और दसों दिशाओं के देवी देवता, जिस तरह ये रास्ता कट रहा है, चौराहे में खड़े होकर के बोल रहे हैं या कुएं के सामने खड़े होकर के बोल रहे हैं, जिस तरह ये रास्ता है, रास्ते एक दूसरे से कट रहे हैं, इसी तरीके से मेरा दुर्भाग्य को भी आप काट दीजिए, मेरी सारी परेशानियों को आप दूर कर दीजिए, मेरी जिंदगी में जो दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है तो इस दुर्भाग्य को आप दूर करके मेरे सौभाग्य में वृद्धि करिए। ऐसी विनती करके आपको जो आपने आईना लिया हुआ था आपको चौराहे में या फिर कुआं के पास में है तो कुएं के नीचे रख करके और आपको वापस आ जाना है और पीछे पलट के आपको नहीं देखना है। दोस्तों कोई भी ऐसे प्रयोग किए जाते हैं जो दुर्भाग्य नाश के लिए या अपनी परेशानियों के नाश के लिए, तो उसमें कभी भी पीछे पलट के नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जितनी भी नेगेटिविटी होती है वहां पर रुक जाती है और जब पीछे पलट करके देखते हैं तो वापस हमारे ऊपर आ जाती है। तो ध्यान रहे कि आपको पीछे पलट के नहीं देखना है, सीधे वापस आ जाना है। घर आने से पहले वैसे आपको करना है, थोड़ा सा जल लेना है, हाथ पैर वगैरह धो लेंगे, थोड़ा सा कुल्ला कर लेंगे और एक माचिस की तीली जला के थोड़ा सा आग अपने शरीर में हाथों में दिखा देंगे, फिर घर में एंटर कर जाइए। उसके बाद में अपना जो भी काम कर सकते हैं कर सकते हैं आप। दोस्तों ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि एक बार के प्रयोग से ही ये असर दिखाना शुरू कर देता है, लेकिन दोस्तों कलयुग है, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ हमारे ग्रह अनबैलेंस होते हैं या कुछ ऐसे दोष होते हैं हमारी कुंडली में जिसके कारण अगर एक बार में आपको असर नहीं मिल रहा है तो कम से कम तीन बार इस प्रयोग को करने के लिए कहा गया है। तो आप एक बार में आपको लगता है कि हाँ पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त हो गया है तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि अभी कुछ बाकी रह गया है तो दो से तीन बार इस प्रयोग को आप दोहरा दें, रिजल्ट बहुत ही चमत्कारिक रूप से आएगा। बड़ी से बड़ी परेशानी दोस्तों जिसे आपने आशा छोड़ दी हो, अंधेरे में एकदम घिरे हुए हो, आपको ऐसा लग रहा है कि एक जंगल में खड़े हैं, किसी को मदद के लिए पुकार रहे हैं लेकिन कोई भी सामने नहीं आ रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में भी ये प्रयोग आपके लिए कारगर सिद्ध होगा, रामबाण सिद्ध होगा। जिंदगी से बड़ी बड़ी परेशानी भी दोस्तों इस प्रयोग को करने से कट जाती है। बस पूरी श्रद्धा आस्था और विश्वास के साथ में एक बार इस प्रयोग को आप जरूर आजमाएं, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, चमत्कारिक रूप से रिजल्ट आएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए